एंड देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वी आर नॉट अ टीचर, कोई हम लोग प्रोफेशनल टीचर नहीं है। आप जैसे ह्यूमन बीइंग है और मैं जनरल बातें करने वाला हूँ, है ना। जैसे वही वाली बात होती है कि मान लीजिए आप इम्फाल के रहने वाले अभी, है ना तरुण जी, है ना, तो उनसे मैं पूछूं आपके इम्फाल में कैसा मौसम है, तो बता देंगे वो। अच्छा, वहां पे खाने के लिए कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, बता देंगे, है ना। कोई लेडी ऐसी बैठी है जो खाना बहुत अच्छा बनाती है, उनसे मैं पूछूं अच्छा आप ये ना कटहल की सब्जी कैसे बनाते हो, फटाफट बता देंगी। तो ये बिजनेस उतना ही सिंपल है, है ना। शायद इसीलिए सबको मिलता नहीं है, है ना, सबको मिलता नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूंगा, मेरे मेंटर ने जो सबसे पहली चीज हमें सिखाई, है ना, जैसे अभी मोहन राय सर ने बोला ना कि मैं भी जीनियस था, बट उन्होंने पहली चीज बताई कि तुमको पता है यार ये बुक पढ़। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी बिजनेस स्कूल, तब मुझे समझ आया अच्छा पैसा बनाने का फार्मूला क्या है, यानी टाइम को बढ़ाना पड़ेगा और टाइम को कंपाउंड करना पड़ेगा। दूसरी चीज वो भी बुक में ये भी मिला कि आपके पास लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप दूसरों की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो और या आप साथ में अपनी बिल्ड कर सकते, तीसरा कोई रास्ता आपको नहीं। फिर उन्होंने एक बुक दी और उन्होंने बताया देखो आपका ब्रेन कैसे काम करता है। तो उसमें हमें पता चला कि जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो वो आपकी मेमोरी में कितने टाइम तक रहता है, लेकिन जब आप किसी चीज को देखते हैं तब वो आपकी मेमोरी में कितने दिन स्टोर रहता है, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो वो कितने लंबे समय तक रहता है। उसमें कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें बताया गया, कैसे आप मूवी देखते हैं और कॉमेडी सीन पे आप पागल की तरह हंसने लगते हैं। कई बार आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आपकी तरफ बड़े उससे देखने, अरे पापा को क्या हो गया, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। इमोशनल सीन देते हैं तो कई बार आपकी जो है आईज गीली हो जाती, बिकॉज उस टाइम आप साउंड और पिक्चर को एक साथ देख रहे थे। तो सबसे पहला चेंज मैंने क्या करा, जो अभी संजीव जी ने बोला है कि उन्होंने बोला यार हर जगह जब भी आप किसी मीटिंग में जाओ, किसी से टॉक में जाओ, तो आप डायरी और पेन हमेशा साथ में। तो जब आप लिखोगे तो क्या होगा, आपके कानों से सुनाई भी देगा और आपकी आंखों से दिखाई भी देगा, तो वो चीज ज्यादा समय तक रहेगी और आप उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते, राइट। बाकी बातें करने से पहले मैं भावना से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिजनेस ने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या उनके सपने पूरे किए, वो थोड़ा आपसे 5 मिनट बात करें। चलिए, अभी आपने प्लान देखा तो उसमें ये तो दिख ही गया कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता, है ना, सब कुछ मिल सकता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से कितना लेना चाहते हैं, है ना। तो इस बिजनेस में जब हम लोग आए तो हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, एक जस्ट बॉर्न था और एक लगभग 3 साल का था। तो उन छोटे बच्चों के साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वो जर्नी स्टार्ट हुई और थोड़े चैलेंजेस आए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रीम पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि हमने कुछ मीटिंग फंक्शंस देख लिए थे, कुछ एक बड़ा फंक्शन मेगा फंक्शन देख लिया था, तो दैट्स वाई वो ड्रीम जो है वो क्लियर हो गए थे। तो फिर वो छोटे मोटे जो चैलेंजेस थे ना, वो सामने जो है कोई दिक्कत नहीं देते थे, हम उसको ओवरकम कर जाते थे। तो अगर आप भी अपने ड्रीम को पहले तो फाइंड आउट करिए, अपने कुछ ऐसे इमोशनल ड्रीम, कुछ ऐसे बर्निंग डिजायर्स, है ना, जिसको आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपको, है ना, जिसके बिना कहते ना कि कुछ ऐसी चीजें जिनके बिना आपको नींद ना आती हो, कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, कुछ ऐसा ढूंढिए अपने लिए। तो अगर ऐसा कुछ आप ढूंढ लोगे ना, तो फिर वो आपको काम करने में मजा आएगा और फिर आपको कोई भी सिचुएशन आपके सामने आड़े नहीं आएगी। तो हमने उन छोटे बच्चों के साथ भी बिजनेस बिल्ड किया और आज हमारे बच्चे कॉलेज में हैं, बड़े हो चुके हैं, है ना, तो उनके साथ भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी हमारे बच्चे कॉलेज जा चुके हैं तो बोलते हैं मम्मा पापू अब आप फ्री हो, अब आप और अच्छे से बिजनेस बनाओ,
कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है पीछे से, है ना। तो देखिए दोनों ही सिचुएशंस हैं, तो कुछ लोगों के बच्चे बड़े होंगे, कुछ लोगों के बच्चे छोटे होंगे, तो आप सबके लिए ये हो सकता है। और जहां तक मैं रिवॉर्ड्स की बात करूं तो रिवॉर्ड्स तो बहुत मिले। सबसे पहले तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। आज मैं जैसी हूँ वैसी नहीं थी, मैं बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, मैं सबसे बहुत खुल के बात नहीं कर पाती थी जल्दी से, है ना। तो आज वो सारा चेंज आया पर्सनैलिटी में, और उसके साथ आज आप चाहे जितनी देर बात करने को कह दीजिए, चाहे जितने लोगों के बीच में बात करने के लिए कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पहले फर्क पड़ता था। अगर पहले मीटिंग्स में अपलाइंस बोलते थे कि ये बात करना है, तो हम लोग हाथ जोड़ा करते थे कि प्लीज आज आज छोड़ दो, आज रहने दो, आज रहने दो, नेक्स्ट टाइम बात करें, है ना। और आज आप देखिए कि आज जब बात करते हैं तो अपने आप को टाइम देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हम ओवर जा रहे हैं, है ना। तो ये चेंजेस पहले तो हैं। और उसके साथ साथ जो है इस बिजनेस ने हमें बहुत सारे रिवॉर्ड दिए। सबसे पहले मेरे बच्चों का स्कूल बदला। पहले हमारे बच्चे पास के जो थे ना मोहल्ले के जो स्कूल होते हैं आसपास के, पहले हमने वहां स्टार्ट किया अपने बच्चों को। बट इस बिजनेस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल लेकर के आए। तो हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। तो हमारे बच्चे जैसे देखते थे फिल्मों में कि वो बड़ा सा प्ले ग्राउंड होना चाहिए, बड़ा सा स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, तो जब हमारे बच्चे उस बड़े स्कूल में गए तो उन्होंने लिटरली मेरे हस्बैंड से बोला भी कि पापू ये तो वही स्कूल है जो हमने कभी जो है फिल्मों में देखा था, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए कर पाए, तो वो बहुत खुशी हुई कि हमने वो अचीव कर। और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे को बहुत ज्यादा कारों का शौक था, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो बच्चा जब रात में हम बिजनेस प्लान दिखाकर आते थे तो हमारा बच्चा वो गाड़ियों के मतलब उसके पूरे सर के आसपास गाड़ियां होती थी, और एक गाड़ी वो जो है ऐसे ऐसे चलाते हुए सो गया होता था। और जब हम लिटरली रात में आते थे तो उसकी सारी गाड़ियां हटाते थे, और वो जो चीज थी ना, वो जो सीन थी, वो हमें एक कहीं ना कहीं हमारा बर्निंग डिजायर बन गया, और कहीं ना कहीं उसने हमको स्ट्रेंथ दी कि हमें अपने बच्चे के लिए ये गाड़ी परचेज करनी है। और फिर उसके बाद में इस बिजनेस से हमने 2009 में फर्स्ट अपनी कार परचेज करी, है ना, और हम अपने बच्चों को वो खुशियां दे पाए। और उसके बाद में मेंटर की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्लेस चेंज किया। हमारे पास पेरेंटल हाउस था बट वहां पर हम अपनी मीटिंग्स नहीं कर पाते थे, है ना, मतलब कैसे लोकेशन नहीं प्रॉपर था। तो हमारे मेंटर्स ने बोला कि आप एक अच्छी लोकेशन पे जाओ। तो हमने ये जो घर में हम अभी बैठे हुए हैं, तो ये घर हमने 2011 में परचेज किया, और ये इलाहाबाद की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पे है ना, एक पॉस लोकेशन पे है। आप कभी आओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ सब कुछ आसपास है और बहुत प्राइम लोकेशन है। तो यहाँ तो कहने का मतलब क्या है कि ये बिजनेस जो है ना आपके बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है। और जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब बहुत क्या, मतलब आज भी मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या कह सकते हो कि शायद वो सिचुएशन नहीं थी, है ना, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होती वो कई बार आपको बांध देती है। तो मैंने देखा कि इस बिजनेस को मैं करती गई, अपने हस्बैंड को फुल्ली सपोर्ट किया मैंने, कभी भी किसी भी चीज को आने नहीं आने दिया। तो दैट्स वाई मेरे वो ड्रीम भी पूरे होने स्टार्ट हो गए। तो 2009 में हमारा पहला मलेशिया पेनांग का ट्रिप था जो कि हमें मिला, और हमारे अप्लाइंस ने बोला पासपोर्ट बना लो। तो हमें उस टाइम बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, हमें फॉरेन ट्रिप्स मिल सकते हैं। बट जब पेनांग का ट्रिप हमारे पास आया तो हमें लगा अरे हम ही थे जो हमने अचीव कर लिया, है ना। तो कई बार आपको भी ये लगेगा, बट आप अपना काम करते रहोगे तो जरूर एक दिन आएगा कि आपके भी ड्रीम फुलफिल होंगे। और उसके जस्ट बाद स्विट्जरलैंड का ट्रिप आया। तो स्विट्जरलैंड मैं समझती हूँ सबका ड्रीम लैंड है, है ना। हर एक इंसान जो भी यहाँ बैठा है, मैं समझती हूँ हर एक इंसान एक बारी तो जरूर स्विट्जरलैंड जाना चाहेगा, है ना, खुद से देखना चाहेगा, अपनी आंखों से देखना चाहेगा। तो आप ये बिजनेस को अगर बनाते हो पूरे पैशन के साथ में, पूरे अपने कहते हैं ना कि आपका जो कहते हैं ना आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है, तो आप कमिटमेंट के साथ अगर बिजनेस बनाने को तैयार हो तो आपके साथ भी सारी चीजें हो सकती है। फिर उसके बाद में हमने बहुत सारे अनगिनत ट्रिप्स किए, है ना। और अगर मैं बात करूं तो हम इंडिया भी पूरा नहीं घूमे थे, कुछ भी नहीं घूमे थे, यूपी ही पूरा नहीं घूमे थे, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए। बट हमें ये सारे ट्रिप्स मिले, स्विट्जरलैंड मिला, पेरिस मिला, कनाडा मिला, ऑस्ट्रेलिया मिला, बाली मिला, अनगिनत ट्रिप्स मिले, और इतने यूनिक ट्रिप्स मिले कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसको जब भी याद कर लेती हूँ तो कहीं ना कहीं गूज़बम्प्स होते हैं, है ना। तो ये सारी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली
कि बंदे की लाइफ में ये सारी चीजें हो सकती हैं इस बिजनेस के थ्रू, तो मैं समझती हूँ यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सारे चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी जो अचीवमेंट्स है ना, ये रिवॉर्ड्स है, ये आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। बट अब बस आपको करना क्या होगा, जो अभी टीचिंग आपको दी जाएगी उसको आप सुनिए, उसको सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में भी वो सारी चीजें होने वाली है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड आई। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। अभी आपने ना ये चीजें भावना ने क्यों बताई, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या भावना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वो तो घूंघट में आई थी, है ना। जब हमारे मेंटर्स आते थे दिल्ली से तो वो इतना पल्लू करके बैठती थी, गोद में बच्चा होता, राइट। सो अंडरस्टैंड, ये बिजनेस पूरी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये बातें इसलिए उसने बताई, हो सकता है कोई एक पॉइंट आपका टच कर जाए, और आपको हमें भी ऐसे किसी स्पीकर ने बात करी थी और एक पॉइंट ने चेंज कर दिया। बिजनेस में करना क्या है, बहुत सिंपल सिंपल बात है। सबसे पहले तो आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, किस बात के लिए। अभी आपको पता चल जाए कि 4 साल के बाद आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली, तो आप आज से एकदम प्रसन्न घूमोगे, हैप्पी रहोगे। अरे 4 साल, बस 4 साल की बात तो है। यहां भी ऐसे ही है, आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऐसी लॉटरी लग सकती है जो हर महीने आपको लाखों रुपया, तो क्या हम उसके लिए एक्साइटेड आज से नहीं हो सकते। बट क्यों नहीं हो पाते, बिकॉज बिलीव नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्साइटेड होना पड़ेगा, अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। वो विश्वास कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए आपको ऐसे लोगों का एसोसिएशन ढूंढना पड़ेगा, मीटिंग्स के थ्रू, स्ट्रीमिंग्स के थ्रू। वो आपको जिसने बुलाया वो बताएगा, जब आप लोगों को सुनेंगे तो उनसे मिलेंगे, उनसे उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचाएंगे, तो आपका बिलीफ बढ़ेगा। एक्साइटेड रहना है एंड बिलीफ को बढ़ा करना है। जैसे जैसे आपका बिलीफ बढ़ेगा, आप में चेंजेस आएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए कुछ सोचना नहीं। बिल्कुल वैसे ही है जब आपने पहली बार साइकिल के पैडल पे आपने पैर रखा था, तो आप ही वो शख्स थे कि भाई चला नहीं पाऊंगा, कोई दूसरा पकड़ के पीछे से हेल्प करता, और फिर आप ही थे जो दोनों हाथ छोड़ के उस साइकिल को चलाने। बिल्कुल ऐसे ही है बिजनेस चले। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको डॉक्टर की उपाधि मिले, यानी आपको अगर पीएचडी की डिग्री मिले और डॉक्टर लिखने को मिले, तो कितने लोग करना चाहिए, हर आदमी करना चाहिए। और उसमें ये कंडीशन मिल जाए कि आपको जब भी एग्जाम देना होगा पूरी बुक्स आपके पास रहेगी, अनलिमिटेड टाइम रहेगा, आप खूब आराम से आंसर लिख सकते हैं, तो कितने लोग पीएचडी कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं। तो यहां पर गुड न्यूज क्या है, नकल फूले लाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, अकल लगाने की जरूरत है, नकल फूले रहो। हमारे मिंटर्स ने जो बता दिया, ऐसे ऐसे सामान इस्तेमाल करते हमने देख लिया। जैसे वो कपड़े पहनते थे, बोले यार ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, वैसे ही हमने उनको नकल कर करके कपड़े जो है पहनना शुरू कर दिए। जैसे वो बात करते थे, वो टोन हमने पकड़ा, यार किस तरीके से सर बात करते हैं, कितना वॉल्यूम होता है, कैसे बात करते हैं। इवन यू कांट बिलीव दैट, वो कैसे बैठते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनकी उंगलियां कहां होती, उस मथे पे कैसे हाथ लगाते, है ना। बहुत सारे लोगों ने हमारे मेंटर्स को देखा, हर वो चीज हमने स्टेप बाय स्टेप कॉपी करनी शुरू कर, राइट। तो जैसे जैसे हम कॉपी करते गए, यार ये तो बहुत सरल है, अब इससे आसान क्या हो सकता है कि आपको डॉक्टर की भी डिग्री मिल जाए, आप पीएचडी भी हो जाए और नकल फुल अलाउड हो। हां, डिस्टर्बेंस तब आएगा जब आप अपनी अकल लगाना शुरू करेंगे। और इसीलिए जब आप देखेंगे बहुत सारे स्ट्रीमिंग में बड़े बड़े लीडर्स आपको बोलेंगे, मुझे भी शुरू में नहीं पता था यार ये बार बार ये क्यों बोलते हैं, अपने ब्रेन को 2-3 साल के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए। बाद में समझ आया फ्रीजर में इसलिए बोलते थे क्योंकि माइनस के नीचे जब जाएगा टेम्परेचर, तभी दिमाग काम करना बंद करता, इसीलिए वो फ्रिज के बजाय फ्रीजर बोल रहे, राइट। तो अकल लगाने क्यों, 12 साल की जॉब में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सारी अकल एंड सारी डिग्री तो हमने लगा ली थी, स्कूटर नहीं बदली। हमने देखा यार 1 साल
साल हमने दूसरे के दिमाग के हिसाब से काम किया, स्कूटर बदल के बाइक आ गई। लेट्स ट्राई यार, क्या इससे कार भी आ सकती है? अगले 2-3 साल और हमने दूसरे के दिमाग से काम किया, अपने मेंटर के दिमाग से, तो कार भी आ गई साहब। तो यार अगर दूसरे के दिमाग से काम करने से, है ना, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं इस बिजनेस में जिन्होंने दूसरे के दिमाग से काम करके हवाई जहाज भी खरीद लिए, गणेश सेना, आप भी कर सकते हो भाई। तो नकल फुल अलाउड है। आप जितनी बड़ी मीटिंग्स में जाएंगे, पर्ची जेब में होती है, निकाल के पढ़ पढ़ के बताते हैं, और हम लोग टिकट देखे, मुझे यही लगता था यार हम दिल्ली तक आए, रिजर्वेशन कराया, 400 रुपए का टिकट लिया, और ये आदमी पर्ची निकाल के पढ़ा रहा है। यार इससे आसान काम तो कोई नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, इतना आसान। दूसरा, लोगों से बात करनी, कैसे बात करनी, उसके लिए किताबें हैं, है ना? कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, 4 इंपॉर्टेंट चीज। कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये आपका मेंटर आपको सिखाए। कई बार उनको काम करते हुए देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, राइट? सो इतना आसान है। दूसरी, अब बात करने में एक ही दिक्कत आपको आएगी, और वो दिक्कत का सलूशन आपके पास है नहीं, वो ऐसे ही चलता है। मुझे पता है यहां से मैं दिल्ली अगर जाऊंगा बाई रोड, तो मुझे पता है सबके लिए टोल टैक्स पड़ेगा। सही बोल रहा हूं संजीव जी? क्यों मोहन भैया, ठीक बोल रहा हूं, सबके लिए पड़ेगा टोल, सही? तो वो तो टोल आपको पे करना पड़ेगा, तो प्राइस तो पे करना, लाखों रुपया चाहिए तो प्राइस पे करना। तो लोग ना बोलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ लोग हां भी बोलेंगे, है ना? ये बिजनेस में जब आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे तो भी कुछ चीजें नेचुरली होंगी, वो सबके साथ होता है। लोग आएंगे भी और कुछ लोग आपको बिजनेस में छोड़ के जाएंगे भी। कई बार लोग, अरे सर 10 लोग बिजनेस में आए, उसमें से 4 लोग छोड़ के चले गए। भैया ये बिजनेस ऐसे ही चलता है, हमारे मेंटर ने बता दिया था, लोग आएंगे भी और कुछ लोग जाएंगे भी, और कुछ लोग जिनके सपनों में जान होगी, जिनका ड्रीम स्ट्रांग होगा, जो हार्ड वर्कर होंगे, वो टिकेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, सर इतने लोग आए इतने चले गए। भाई ऐसे ही है, आपके घर में अगर पानी इन होगा तो कहीं ना कहीं नाली से आउट भी होगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। नहीं तो एक दिन आपके घर में बाढ़ आ जाएगी और आप ही डूब जाए। तो गुड न्यूज है, लोग आने चाहिए और निकलने भी चाहिए। Understand, right? दूसरी चीज, अभी उस दिन मैं मेंटर के साथ बैठा था, कुलीन जी, ये बहुत बढ़िया बात हमें समझ आई, एकदम विजन क्लियर। बोले नीरज पता है दुनिया का हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं? हर इंसान खुशी ढूंढ, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो सब में, वो पार्टीज में ढूंढ रहा है ना, मूवीज में ढूंढ रहा है, होटल में ढूंढ रहा है, अपने बच्चों की लाइफ में ढूंढ रहा है। उसको पता ही नहीं सारी खुशी तो उसी के पास है, यहां पे हैप्पीनेस तो यहां पे है दोस्त, दुनिया में ढूंढ रहे। उसी तरह से उन्होंने बोला, आपका जो सक्सेस भी है ना, हम दुनिया में ढूंढते हैं, बट सक्सेस यहां पे होती है। इफ यू थिंक कि यू कैन डू इट, यू आर राइट। अगर यू थिंक आई कांट, यू आर राइट। हाँ, हो सकता है एसोसिएशन में रह के वो थॉट प्रोसेस चेंज हो, और लोगों से बात ही तो करनी है, या तो हां कहेंगे ना कहेंगे, और लोगों को बदलने का प्रयास नहीं करें। हमने भी पहले शुरू में सोचा इसको तो समझा के ही रहे, तो कई बार क्या हुआ, कुछ रिलेशंस खराब हो गए। बाद में मेंटर्स ने समझाया, बुक्स पढ़ी, मीटिंग्स में गए, समझ आए यार लोगों को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है, और डर के आगे जीत। किसी भी फील्ड में आप उतरेंगे, डर के आगे जीत। और डर कम करने का तरीका क्या है, आप अपने आप को समझिए सबसे पहले, फिर आप लोगों को समझना शुरू हो जाएगा। लोग तो लोग हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। आप नई गाड़ी लेके आओ, आप
अपने दो फ्रेंड्स को सेलेक्ट करो और दो रिलेटिव्स, और चारों के घर आप जाओ, बोलो यार देखो ये बिल्कुल मैं तुमको सबसे पहले लेके आया हूँ, मिठाई भी साथ में लेके आया हूँ, ये गाड़ी मैंने खरीदी, आप देखो उनका बिहेवियर, अरे वाह मस्त गाड़ी कितने की पड़ी, वाह इसमें क्या क्या फीचर्स है। लास्टली एक बात वो बोलने वाला है, यार गाड़ी बड़ी मस्त है, कलर भी बहुत बढ़िया डिजाइन, लेकिन इस वो जो एक गाड़ी है ना उसका जो हेडलाइट का डिजाइन ये है ना वो होता और खूबसूरत लगता है, कभी आप ट्राई करके देखो, उसको कुछ ना कुछ निकालना ही। तो लोगों को टेंशन लीजिए मत, बिल्कुल टेंशन फ्री। हमारे मेंटर हमेशा बोलते हैं कि सर क्या करना है, तो बोले देखो है ना, इफ यू कैन एंजॉय द बिजनेस यू कैन बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस, एंजॉय करना सीखो। हम हस्बैंड वाइफ अक्सर बात करते हैं यार क्या मस्त बिजनेस है, सब पूरे रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्किल जो बिजनेसमैन है उनको लगता है यार जब देखो ये मीटिंग में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, इनको देखो जब कभी कानपुर में है कभी अयोध्या में है कभी दिल्ली में है, कभी इनके साथ फोटो डाल रहे हैं कभी उनके साथ फोटो डाल रहे हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, सामने वाले को लगता है यार ये लोग कितना मजा करते हैं, अरे बस भी करो भाई। लेकिन हम क्या करें, हमारा बिजनेस ही इसी तरह से डिजाइन है कि हम मजा भी करते हैं पता ही नहीं चलता हम काम भी कर रहे हैं, अभी आपके साथ बात कर रहे हैं आपको लग रहा है मैं काम कर रहा हूं, राइट, कहीं ये काम है यार, इंजॉय कर रहे हैं और काम भी हो रहा है, हमारी टीम के भी लोग लगे हैं, तो ये बिजनेस। और लोगों को स्ट्रेस देना सीखिए, लोगों को बदलिए मत, आप अपनी बात कहिए, और नहीं है तो एक मैं आपको आप जाइए प्लान दिखाइए प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, और ज्यादा है तो उनसे बोल दो देख भाई मुझे एक रुपया आपसे चाहिए नहीं, बढ़िया काम था इंटरनेशनल काम था, स्टडी करना चाहता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्यार से, और नहीं तो आप ट्राई करके देख लो। जो लोग नए हैं जिनको दिक्कत आ रही है लोगों से बात करने में, एक टास्क है, आप कल किसी अपने खास दोस्त या किसी रिलेटिव या संडे को जब आपको छुट्टी हो उसके घर जाइए, और कोई एक 20 लाख 18 लाख 15 लाख की गाड़ी का एक ब्रोचर लेके जाए और उसके यहां जाइए, चाय पीजिए, भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्या हुआ यार ये वाली गाड़ी बुक कराने जा रहा हूं और बस इसको यार अगले महीने लेना है, होली पे लेना है, बस एकदम देख लिया पसंद आ गई अब तो लेना ही है भाई, बस बुक करा के जा, बुक करा के आए हो झूठ भी नहीं बोलना, बुक कराने जा, और फिर आप भूल जाओ, दो तीन दोस्तों के साथ ऐसा करो रिलेटिव्स के साथ करो और आप भूल जाओ, आप भूल जाओ क्या होने वाला है, वो भी भूल जाने वाले, आप देखना आपने बोला है ना वो एक हफ्ते बाद उसका कॉल आएगा यार वो गरीबा बुक कर दी क्या, कितने लोग एग्री करते हैं ऐसा होएगा, और नहीं होली के आसपास बीच में भूल जाए, होली के आसपास तो वो पक्का ही अरे भाई गाड़ी ले ली कि नहीं ले ली, सोचो गाड़ी आपकी पेमेंट आपका मजा आप करोगे स्ट्रेस किसको, आप तो भूल भी गए यार दिखा क्या, सो अंडरस्टैंड। हम गलती क्या करते हैं, पड़ोसियों से राय लेते, अपने खास दोस्त अभी उस दिन पुलिन जी ही बोल रहे थे कि मेरे जो मेंटर थे मैं हर फाइनेंशियल एडवाइस उनसे लेता था और वो बढ़िया गाइड करते थे हमसे सीनियर थे, ए बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उनसे जाके बोला कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करा, बोले बिना पूछे सबसे बड़ा गलत काम तुमने ये किया, फंस गए तुम, बट आज मुझे समझ आता है अगर वहां उनकी मेंटरशिप मान ली होती तो हम वहीं का वहीं जॉब कर रहे। तो लोगों को स्ट्रेस दीजिए, लोग ऐसे ही सोचते हैं भाई, तो आप जब प्लान दिखाएंगे ना और एक्साइटमेंट कर, अब भी तो दोस्त 2 साल के अंदर 1 लाख रुपया इधर से बनाने वाला, मजा आ रहा है, खूब लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, लोग धड़ाधड़ बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप तो प्लान दिखा के चले आए, आपका एक प्लान हो गया, एक आदमी को इंफॉर्मेशन आपने दे दी, अभी स्ट्रेस में कौन सोएगा, वो या आप, क्योंकि आप तो बोल क्या 2 साल के अंदर 1 लाख रुपया बनाने वाला, फिर आप नहीं भी पूछोगे ना, कई बार आपको लगा यार ये निगेटिव एटीट्यूड है इसको छोड़ देते हैं, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, रुकिए नहीं किसी के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट,
जो बंदे ना मैग्नेट जिसके अंदर होगा, ड्रीम होगा, वो आपको पकड़ ले, अंडरस्टैंड। आप देखो वो आदमी आपसे जब मिलेगा पूछेगा, अच्छा वो बिजनेस में कहां तक पहुंचे आप, अच्छा आपकी टीम कितनी बड़ी हो गई। सो एंजॉय करिए, मस्ती के साथ ये बिजनेस बनाइए, अपने मेंटर के साथ बैठिए, आपके लिए बेस्ट कोच वही है आपकी लाइफ में, वो पूरा चेंज कर सकते हैं, यू टर्न जैसे हमारी लाइफ। बुक्स पढ़िए, स्ट्रीमिंग सुनिए, आप हमसे भी बेहतर कर सकते हैं, आई बिलीव इन यू। थैंक यू।